इन्वर्टेड साइफन, इस कंसेप्ट को समझिएगा, व्हाट इज दिस इन्वर्टेड साइफन। फ्लूइड मैकेनिक्स का याद करिए, अगर लेक्चर क्लासेस आपने देखा हुआ होगा तो वहां पे मैंने समझाया था एक साइफन लाइक स्ट्रक्चर कैसा होता है। देखो इस तरह का जो स्ट्रक्चर कोई होती है, इस तरह से अगर पानी फ्लो करता है ना, ऐसा मतलब इसके अंदर ऐसा पानी फ्लो हो रहा है, तो दिस इज कॉल्ड योर साइफन लाइक स्ट्रक्चर, है ना, साइफन, इसको साइफन कहा जाता है, ऐसे ऊपर से पानी फ्लो के निकल रही है, ठीक है। यहाँ पे जो ये पॉइंट है इसको कहा जाता है समीट पॉइंट, समीट मतलब पीक पॉइंट। यहाँ पे जो प्रेशर है, याद करिए ये प्रेशर वेपर प्रेशर से कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसे आप ऊपर जा रहे हो प्रेशर आपकी वहाँ पे कम होती चल रही है फ्लो की, ठीक है। ये एक तरह का प्रेशर्ड फ्लो है, पाइप के अंदर फ्लो हो रहा है तो इट इज़ वन टाइप ऑफ प्रेशर फ्लो। तो ये प्रेशर फ्लो के केस में जैसे पानी ऊपर ऊपर जा रही है, चढ़ रही है, तो सब ऊपर जैसे हाइट अटेन कर रही है तो वाटर प्रेशर कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है प्रेशर, डिक्रीज होते 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 ऐसा ना हो कि एट समीट मतलब वो जो पीक पॉइंट है वहाँ पे जो प्रेशर है वो उस जो भी फ्लूड फ्लो हो रहा है उसका वेपर प्रेशर से कम हो जाए। अगर समीट पॉइंट पे प्रेशर वेपर प्रेशर से कम हो जाएगा तो वेपर प्रेशर इज द प्रेशर करस्पॉन्डिंग टू विच, फिर बिलो विच आपका वो जो फ्लूड है वो लिक्विड फॉर्म में नहीं रह के वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता था। तो अगर वेपर प्रेशर से भी कम का प्रेशर एक्चुअली उस फ्लूड का अटेन हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, गैसियस स्टेट में चला जाएगा, वो वेपर स्टेट में चला जाएगा, फ्लूड आपका है ही नहीं, फ्लूड फ्लो होगा ही नहीं। इसलिए हम वहाँ पे मिनिमम प्रेशर वेपर प्रेशर के करस्पॉन्डिंग मेंटेन करते थे, और मतलब एक्चुअली में जो फ्लूड फ्लो हो रहा था उसका जो प्रेशर है वो वेपर प्रेशर से ज़्यादा ही होना चाहिए, उससे कम नहीं वहाँ पे आना चाहिए था। समझ में आ रहा है, ये चीज़ हमने देखा हुआ था। वाटर का वेपर प्रेशर कितना होता है, अगर वेपर प्रेशर पे बात करूँ यहाँ पे, चलो बता ही रहा हूँ, तो ये सब पढ़ाई पढ़ाई है, जहाँ पे जो आती है पढ़ लेना चाहिए। पानी का वेपर प्रेशर याद करो 2.03 किलो पास्कल, मतलब 2.03 इंटू किलो मतलब 10^3 ना जी, किलो न्यूटन है ना, पास्कल इतना। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है स्टैंडर्ड जनरली 101.325 पास्कल। तो कभी क्वेश्चन आ गया जिंदगी में वेपर प्रेशर बढ़ा ना एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ा वेपर प्रेशर कम, है ना। और यहाँ इस तरह का पाइप में प्रेशर फ्लो के केस में फ्लूड अपना एक प्रेशर पे फ्लो हो रहा होगा, है ना। तो हम हमेशा यही कोशिश करते हैं कि जो भी फ्लूड है वो अगर वेपर प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर पे फ्लो हो रहा है, मतलब वो लिक्विड स्टेट में है, ये समझ के चलिए, अगर वेपर प्रेशर से कम प्रेशर आ गई उसकी तो वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगी, वेपर वाले स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगी, समझ गए। इसलिए समिट पॉइंट पे मिनिमम प्रेशर जो हम मेंटेन करने का कोशिश करते थे वो होता था करस्पॉन्डिंग टू वेपर प्रेशर PV, ऐसा। ये हो गया साइफन का केस। हमको यहाँ पढ़ना इन्वर्टेड साइफन, मतलब इसी चीज़ को अगर मैं उलट दूँ, ऐसा अगर वाटर का कुछ ऐसा फ्लो हो गया, है ना, मतलब पानी ऐसा फ्लो करके ऐसा निकल जाए, तो ये हो जाएगा इन्वर्टेड साइफन केस, दिस विल बी योर इन्वर्टेड साइफन कंडीशन। बाकी ये सब चीज फ्लूड मैकेनिक्स में हमने इसका पूरा डेरिवेशन करवा दिया, हर एक पॉइंट पे तुम वेलोसिटी, हर एक पॉइंट पे तुम हेड, हर एक पॉइंट पे तुम प्रेशर निकाल सकते हो, सब कुछ फ्लूड मैकेनिक्स में करवा ही दिया, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। साइफन फ्लो न्यूमेरिकल भी करवाया है, ओके, डेरिवेशन के साथ, है ना, मजे में पढ़िए आराम से। तो अगर इस तरह से उल्टा होकर फ्लो चलेगा तो इसको हम कहेंगे साइफन, इन्वर्टेड साइफन। तो हमें यही इन्वर्टेड साइफन वाला स्ट्रक्चर देखना है। तो ये कब हम बनाते हैं, देखो ये चीज हम पढ़ रहे हैं क्या, इन्वर्टेड साइफन हम तब बनाएंगे जब इस तरफ से आपका कैनाल जा रहा है, ये मान लो आपका कैनाल जा रहा है ऐसा, लेट सपोज, और इधर से आपका रोड जा रही है या फिर रेलवे जा रही है ना, रोड या रेलवे जा रही है। हम ये रोड या रेलवे से रेलवे के अक्रॉस पास करवाने के लिए अभी ये स्ट्रक्चर हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो रोड या रेलवे जा रही है और कैनाल को इस तरफ आपको पास करवाना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बनाएंगे इन्वर्टेड साइफन टाइप का स्ट्रक्चर, लेकिन इसके लिए एक स्पेसिफिक कंडीशन है। अब वो कंडीशन क्या है सुनिए, देखिए कैनाल में फ्लो हो रहा है तो ये मान के चलो इस तरह से उसका मैं दिखा रहा हूँ, दिस इज योर बेड, ये बेड मतलब इसके नीचे ये मिट्टी है, कैनाल का ये बेड है। लेट्स सपोज दिस इज योर हाई फ्लो लेवल या फिर फुल सप्लाई लेवल ऑफ कैनाल FSL,
मतलब इतने लेवल पे कैनाल में फ्लो होना है, उसको हम कहेंगे FSL, वो फुल सप्लाई लेवल पे फ्लो हो रहा है। अब देखिए इस तरह से कैनाल फ्लो हो रही है और इधर से आपका जा रहा है रोड, तो मान लो कैनाल का फुल सप्लाई लेवल जो है, ठीक है, ये इंटरफियर करता है रोड के लेवल से, मतलब रोड का लेवल कैनाल का फुल सप्लाई लेवल दोनों अगर सेम है, कहने का मतलब है देखिए ये कैनाल का फुल सप्लाई लेवल और यहाँ पे अगर ऐसा ऐसा जाना है आपको रोड को, इस तरह से रोड को जाना है और दोनों का लेवल सेम है, मतलब ये फुल सप्लाई लेवल कैनाल का एंड दिस इज योर रोड लेवल, मतलब ये रोड का टॉप सरफेस, इमेजिन करो ये रोड का टॉप सरफेस और दोनों का लेवल सेम है, ऐसे केसेस में हम इन्वर्टेड साइफन बनाएंगे। कैसे, हम क्या करवाएंगे, जो कैनाल का पानी है, ठीक है, हम क्या करवाएंगे रोड के नीचे, सबसे पहले तो यहाँ पे ब्रिज टाइप ऑफ स्ट्रक्चर बनेगा, एक छोटा सा कलवर टाइप ऑफ स्ट्रक्चर बनेगा, बॉक्स कलवर टाइप का, ठीक है, एक छोटा सा बॉक्स कलवर टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा। लेकिन वो स्ट्रक्चर हम कैसा बनाएंगे, देखिए ये रोड जो है इसके नीचे जो कैनाल का बेड है इसमें थोड़ा सा हम इस तरह से डिप्रेशन बनवाएंगे गड्ढा, फिर बेड ऐसे एक्चुअली बेड ऐसे फिर जाएगी। अब जो पानी का फ्लो होगा यहाँ पे बॉक्स कलवर टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा, मैं आपको दिखाता हूँ, पानी का जो फ्लो होगा इसके नीचे से ऐसे, है ना, ऐसे फ्लो करके निकल जाएगी, फिर ऐसे ये, तो पानी बेसिकली देखिए ऐसे वो फ्लो कर रही है। तो क्या इस तरह से जो पानी फ्लो कर रही है क्या ये इन्वर्टेड साइफन जैसा नहीं है, इसीलिए इसको हम इन्वर्टेड साइफन कहते हैं। और यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनेगी, जो बॉक्स कलवर्ट बनेगी, उसको हम इन्वर्टेड साइफन स्ट्रक्चर कहते हैं। चलिए मैं आपको वो बॉक्स कलवर्ट का इमेज दिखाता हूँ, इसका एक परफेक्ट डायग्राम मैं आपको बना देता हूँ। ये हम कब बनाते हैं, अगर इसका परफेक्ट डायग्राम मैं आपको बना के दिखाऊँ तो देखिए ठीक है, यहाँ पे हो गया आपका रोड, ये जो ऊपर वाला पार्ट हो गया है ना, ये हो गया आपका रोड, दिस इज योर रोड। अब जो कैनाल आ रही थी पानी को लेके, ये मान लो ओरिजिनल बेड लेवल है कैनाल का, दिस वाज द ओरिजिनल बेड लेवल ऑफ द कैनाल, बेड लेवल कैनाल का है और इस तरफ रोड के उस तरफ ये फिर ओरिजिनल बेड लेवल ऐसे जा रहा है, ठीक है, बेड लेवल किसका, कैनाल का, ठीक है। अब देखिए कैनाल जो पानी लेके आ रही थी वो कुछ इस पर्टिकुलर लेवल पे वो उसका सप्लाई था, फुल सप्लाई लेवल, और ये रोड का लेवल। तो देखो कैनाल का फुल सप्लाई लेवल और रोड का लेवल क्या एक दूसरे से मैच नहीं कर रहा है, लगभग सेम है। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं, यहाँ पे बेड को हम उसका लेवल को डिक्रीज करवाते हैं, उसमें हम डिप्रेशन प्रोवाइड करते हैं, गड्ढा बनाते हैं, है ना, बेड का लेवल में हम गड्ढा बनाते हैं। तो ये हो गया बेड का लेवल, मतलब ये एक्चुअली ऐसा होना था लेकिन हम यहाँ पे इतना ये डिप्रेशन बनाएंगे, दिस इज योर डिप्रेशन, डिप्रेशन ऐसा हम बनाएंगे, ठीक है, किसके नीचे, रोड के नीचे, ओके। अब जो कैनाल में फ्लो होगा, ठीक है, ये पानी इस तरह से नीचे ऐसे जाएगी, ठीक है, मतलब पूरा का पूरा पानी ये जो थोड़ा पीछे से ही नीचे आ जाएगा, और क्या फिर ये तो यहाँ तक तो ऐसे टकरा के रहेगी, नो डाउट, ठीक है, यहाँ तक ये टकरा के रहेगी, लेकिन जो एक्चुअली फ्लो हो रही होगी, अब ऐसा हो रही होगी फ्लो, है ना, ये इधर से होगी, ये कैनाल का फिर कैनाल ऐसे फ्लो होके निकल जाएगी, लेकिन इस तरह से फिर फ्लो हो रही होगी, देखिए है कि नहीं, ऐसा फ्लो होके पानी आपका ऐसा निकल रही होगी नीचे से। तो क्या उल्टा यू जैसा, इन्वर्टेड साइफन जैसा फ्लो नहीं हो रहा है, बिल्कुल। सो इन्वर्टेड साइफन स्ट्रक्चर हम तभी बनाते हैं जब रोड लेवल और कैनाल में जो वाटर लेवल है दोनों सेम लेवल पे होगा, तो ऐसे कंडीशंस में रोड या रेलवे के नीचे से कैनाल वाटर को पास करवाने के लिए इन्वर्टेड साइफन लाइक स्ट्रक्चर को बनाया जाता है। ऑब्जेक्टिव हजारों बार एग्जाम में पूछा गया, ठीक है, मैं आपको अब इसका ओरिजिनल फोटो दिखाता हूँ, अभी आप कुछ लिखिएगा नहीं, हम बताएंगे, ठीक है, डायग्राम भी कौन सा बनाना है वो भी हम बताएंगे, ओके। तो ये देखिए ये ऊपर से रोड निकल गई है, ऐसा रोड चला गया है, ठीक है, यहाँ पे देखो ये कैनाल, इधर से नीचे से कैनाल का पानी जाएगा, यहाँ से ये सब कैनाल का पानी एंटर होके, देखो नीचे दिख रहा है गड्ढा जैसा है,
है ना, वो गड्ढा जैसा नीचे बनाया गया, ऐसा गड्ढा बना के फिर वो ऐसा निकला है, गड्ढा जाके ऐसा फिर उस तरफ निकला होगा, समझ गए? कैनाल का जो फ्लो लेवल होगा वो इतना होगा, समझो, यहाँ तक पूरा पानी भर के, डबाडब भर के अंदर से निकल के फिर उस तरफ निकल रही होगी। इसी लेवल पे, इसके ऊपर, मतलब ये जो ब्रिज दिख रहा है उसके ऊपर रोड पास कर रही होगी। तो रोड का लेवल और कैनाल का फ्लो लेवल दोनों यहाँ पे लगभग सेम होती है। तो ऐसे केसेस में कैनाल का पानी को उस तरफ या रेलवे रोड के उस तरफ या रेलवे के उस तरफ लेके जाने के लिए हम इन्वर्टेड साइफन लाइक स्ट्रक्चर को बनाते हैं। क्लियर है? इमेजिन हुआ, विजुअलाइजेशन हुआ, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। अब देखिए, इसका थ्योरी लिखेंगे हम, लेकिन आपको जो डायग्राम बनानी है वो ये वाला डायग्राम बनाओगे आप, ठीक है। तो ये डायग्राम को मैं थोड़ा सा नीट एंड क्लीन बना देता हूँ, ये तो समझाने के लिए किया था, ठीक है। ऐसा तो इतना तो रहेगा ही रहेगा, ओके, ये ऐसा रहेगा ही रहेगा। ये डिप्रेशन, रुको जस्ट ए मिनट, थोड़ा सा टाइम दीजिए, थोड़ा सा टाइम दीजिए, जरूरी है, 1 मिनट में सब कुछ नहीं हो पाता। हम आराम से बताने का कोशिश करते हैं ताकि आपको सब चीज़ इजीली, इजी वे में समझ में आए। ये देखिए एक्चुअल बेड लेवल था, ठीक है। आपने यहाँ पे एक इस तरह का डिप्रेशन को भी प्रोवाइड किया है। अब जो वाटर की फ्लो के फ्लो हो रही है वो कुछ इस तरह से वाटर एंटर कर रही है और ऐसे फ्लो होके निकल रही है, या फिर थोड़ा अंदर तक ले लो पानी का फ्लो, ऐसा ऐसा ऐसा, दिस इज योर वाटर, ओके। ये डायग्राम आपको बनाना है, नीचे लिख देना है इन्वर्टेड साइफन, इन्वर्टेड साइफन, ये आपको नीचे लिख देना है, ठीक है, ये डायग्राम बना के। और इन्वर्टेड साइफन के बारे में हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, चलिए, अच्छा इनको लिखना है तो इसको नोट पॉइंट में डाल दीजिएगा, इन सब चीज़ों को, इनको जो है नोट पॉइंट में आप डाल देना। क्या साइफन क्या होता है, इन्वर्टेड साइफन का बेसिक वाला बात, इसको आप नोट पॉइंट में डाल देना, ठीक है। ये सब डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप वो मेन डायग्राम भी बना लोगे तो हो गया, ठीक है। देखिए अब क्या लिखेंगे, एक ही सेंटेंस हम इसमें लिखेंगे, और वो क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे व्हेन बोथ कैनाल फ्लो लेवल एंड रेल और रोड लेवल आर सेम, दोनों सेम है, देन टू पास कैनाल वाटर अक्रॉस रेल या रोड, इन्वर्टेड साइफन आर मोस्ट सुटेबल स्ट्रक्चर। क्या बोल दिया मैंने, इन्वर्टेड साइफन आर मोस्ट सुटेबल स्ट्रक्चर्स, कब, जब कैनाल का फ्लो लेवल और रेल या रोड का लेवल दोनों सेम है, तब। 100-150 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए इसी स्टेटमेंट से, कि आपको बोल देगा कि दोनों का लेवल सेम है, तो ऐसे कंडीशंस में कौन से स्ट्रक्चर आप बनाओगे, इन्वर्टेड साइफन, समझ गए? तो रोड या रेलवे के अक्रॉस पास करवाने के लिए आपने दो तरह के स्ट्रक्चर देखा, एक कलवट जो कि नॉर्मल है, आप कभी भी बना सकते हैं, ठीक है। और अगर दोनों का लेवल सेम है तो ऐसे कंडीशंस में हम इन्वर्टेड साइफन बनाते हैं, क्लियर है। वो भी एक तरह का बॉक्स कलवर्ट ही है, इन्वर्टेड साइफन, बस हम जमीन को, मतलब रोड के नीचे वाला जो जमीन है उसमें थोड़ा गड्ढा करवा देते हैं ताकि पानी का इस तरह से फ्लो होके निकले, बॉक्स, या फिर मतलब इस तरह का हम बॉक्स कलवर्ट बनाते हैं, मतलब वो जो टनल है वो कुछ इस तरह से अंदर से निकलता है वो बाहर, दिखाया था अभी कैसा, मतलब कैनाल का पानी टनल अंदर जा रहा है फिर बाहर ऐसे निकल रहा होगा, तो ये हो गया। और नॉर्मल बॉक्स कलवर्ट में बेड लेवल जो होती है वो ऐसे हॉरिजॉन्टल होती है नॉर्मल टनल में, है ना, या फिर पाइप कॉन्डक्ट के अंदर, इधर से पानी गई इस तरफ से निकल गई, तो नॉर्मल था। और ये इन्वर्टेड हो गया, इन्वर्टेड कब, जब दोनों का लेवल सेम है, जब दोनों का लेवल सेम नहीं है, ऐसे केसेस में पाइप कॉन्डक्ट या फिर बॉक्स कलवर्ट हम बनाते हैं, सिंपल वाला, समझ गए बात को, ठीक है। चलिए अब हम देखेंगे क्रॉस ड्रेनेज स्ट्रक्चर्स।